अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट सेक्शन की एप्लीकेशन। अगर हमें बनानी हो तो उसमें हम अगर आपको कोई अकाउंट सेक्शन की एप्लीकेशन मिलती है और आप किसी क्लाइंट को के लिए जो उसको बना उसको डेवलप करते हैं तो आपने कैसे उसमें किस तरह से काम करना होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं अपनी एक एप्लीकेशन ही को रन करूँगा जो मैंने बेसिकली MBL मलिक ब्रदर लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए बनाई हुई है और 2015 में बनाई है। अब उसमें पहले तो मैं बिज़नेस आपको क्लियर कर दूँ कि इनका जो एक्चुअली बिज़नेस है वो है क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी। यानी इनका काम क्या होता है कि जो शिपमेंट आती है पोर्ट पर, उस शिपमेंट को वहाँ से क्लियर करना होता है। क्लाइंट इनको जो है वो अपनी शिपमेंट क्लियर करने के लिए जो है इनको जो है ऑर्डर देता है और फिर वो उसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट मिलती है और फिर वो आगे जो है उसके उसकी पेमेंट खर्च करते हैं, यानी टैक्सेस वगैरह जो पे करने होते हैं, जो इसके अलावा जो भी एक्सपेंस होता है उस क्लियर को शिपमेंट को क्लियर करने के लिए वो क्लाइंट के लिए वो पे करते हैं, जिसकी वो पेमेंट क्लाइंट उनको एडवांस की फॉर्म में देता है। और फिर जब वो क्लियर हो जाता है तो फिर इसके बाद जो है वो हमारी जॉब एक स्टार्ट होती है, फिर जॉब हमारी वहाँ पर क्लोज होती है। तो इसमें जो है वो इस तरह की अगर एप्लीकेशन आपको मिलती है, और जैसे भी इसी बिज़नेस के लिए नहीं होगी, ये जो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है, कोई भी अकाउंट कोई भी बिज़नेस है उसके अंदर अगर अकाउंट सेक्शन को मैनेज मेंटेन करना होता है तो ये जितने भी इसका तकरीबन 75% जो फीचर्स हैं तकरीबन हर एप्लीकेशन जब अकाउंट में मैनेज करना होता है तो अकाउंट सॉल्यूशन यानी 75% जो इसके फीचर्स है वो तमाम बिज़नेस के अकाउंट सॉल्यूशन के लिए काम आएंगे। तो आप इसको समझें, और अगर कोई भी आपको एप्लीकेशन मिलती है, आप क्लाइंट को कन्वेंस करने जाते हैं, क्लाइंट आपको कुछ चीज़ को बनाने को कहता है तो आपके लिए कोई नई चीज़ ना हो, फिर इसके हवाले से अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो मैं इस तरह की एप्लीकेशन बनाना भी सिखाऊंगा। लेकिन काफ़ी लेंथी एप्लीकेशन है, बड़ी एप्लीकेशन है, काफ़ी टाइम लेती है और थोड़ी मुश्किल एप्लीकेशन होती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, मैं इसके सारे फीचर्स आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अच्छा, जो सबसे मेन सबसे पहला काम होता है अकाउंट्स की एप्लीकेशन बनाने के लिए वो होता है चार्ट ऑफ अकाउंट। हम क्या करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर हम हेड्स बनाते हैं और उस हेड्स के ऊपर फिर जो है वो डेबिट और क्रेडिट हो जो पोजिशन होती है, जो काम हो रहा होता है उन हेड्स के अगेंस्ट में होता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हेड्स बनाना, जिसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। अकाउंटिंग की फॉर्म में इसको चार्ट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। और पर्पज़ क्या होता है, इसमें हेड्स बनती है और फिर वही हेड्स आगे जो है वो उनमें उस हेड्स पे ट्रांजेक्शन होती है, यानी लेन देन उस हेड्स के अगेंस्ट में होता है, ताकि हम उसके जनरल लेजर बना सकें और उसके ऊपर हम उसकी पोजीशन शो कर सकें कि हम उससे क्या मांगते हैं या उस फॉर्म में क्या देना है। तो बेसिकली जो है वो डे ओपनिंग डे क्लोजिंग पे भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने हेड्स बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू किया है। तो अब देखिए, हेड्स बनाने जब आते हैं तो हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर 5 मेन हेड्स होते हैं। तो मेन टाइप्स होती है हेड्स की, एक होती है एसेट्स की टाइप होती है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है और एक्सपेंस होता है। अगर हम एसेट्स पे आ जाते हैं तो उसकी सब टाइप्स में दो टाइप्स होती है, एक होती है फिक्स एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। इसी तरीके से हमारे पास लायबिलिटी पे आते हैं तो लायबिलिटी में जो इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो इसकी सब टाइप्स होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से हम कैपिटल पे आते हैं तो कैपिटल में इसकी जो सब टाइप्स होती हैं, ये कैपिटल ही रहती है, इसकी सबसे नहीं बनती है। और रेवेन्यू में भी इसके जो है वो डायरेक्टली हम उसके हेड पास करते हैं। और एक्सपेंस में आ जाते हैं तो एक्सपेंस में हम उसकी सब टाइप्स में जो है वो जो भी कंपनी के एक्सपेंस होते हैं वो हम यहाँ पे उसको एज ए सब टाइप असाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं एसेट्स पे आता हूँ तो करंट एसेट्स में हमारे पास आते हैं तो करंट एसेट्स में आपके जो है वो आपके जो है जितने क्लाइंट्स होते हैं वो सब उसमें करंट एसेट्स में होते हैं, बैंक्स वगैरह इसमें आते हैं। आप जैसे देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ करंट एसेट्स को, तो इस सब कैटेगरी में जाते हैं। तो जब देखिए डेबिटर्स आए, आपके जितने भी डेबिटर्स होंगे उस कंपनी के, और डेबिटर्स के बारे में जितने उनके हेड्स होंगे, उनके नाम, उनकी डिटेल्स और उनकी ओपनिंग जो है हम यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट में पास करते हैं। यानी आपने डेबिटर सिलेक्ट करना होगा तो उसके अंदर जो हमारे पास देखे, अब ये कंपनी के जो क्लाइंट है, अब इन क्लाइंट के नाम उन्होंने पास कर दिए। और हर क्लाइंट की जो है एक ओपनिंग होती है जो इसे, और एक क्लोजिंग होती है। जो क्लोजिंग होती है वो साथ से जनरेट हो रही होती है ट्रांजेक्शन के जरिए से, और ओपनिंग होती है जिस दिन हमारी एप्लीकेशन लगती है तो वहाँ पे हम उसकी ओपनिंग जनरेट करते हैं। यहाँ से हम क्रिएट न्यू करके नया में चाहूँ तो नया ऐड भी कर सकते हैं। अब नया ऐड करना है, ऐड करने के बाद जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा, फिर आप उसको सिलेक्ट करके उसकी ओपनिंग शो करोगे और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके साथ साथ उसकी ट्रांजेक्शन चलती रहेगी।
इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं कैश इन बैंक्स में, क्लाइंट के जितने बैंक्स होते हैं उस कंपनी के जितने बैंक्स होते हैं और सारे बैंक से अकाउंट यहाँ पे पास किए जाते हैं, और उन बैंक से अकाउंट्स के ऊपर जो भी इसकी ओपनिंग है क्लोजिंग है वो सारा सारा मैनेज करते हैं। नया बैंक ऐड करना चाहे तो हम यहाँ पे नया बैंक बैंक भी ऐड करेंगे, और फिर उसकी भी हम यहाँ पे ओपनिंग दे देंगे, और साथ में जो ट्रांजेक्शन होती रहेगी वो उसकी क्लोजिंग होगी। इसी तरह से आई यू जो होते हैं इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी, जैसे इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग, वो लड़के हैं जो बेसिकली पोर्ट पे जाते हैं। अब जो वो पोर्ट पे जाते हैं तो होता क्या है कि जैसे अब वो एक एक लड़का एक 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 जॉब के लिए जा रहा होता है, या एक से ज़्यादा जॉब्स भी उसके पास दी जाती है कि यार तीन तीन जॉब हैं, तीनों जॉबों पर वो काम कर रहा होता है, तो एक लमसम अमाउंट लेके जाता है ऑफिस से वहाँ पे करने के लिए, और फिर वहाँ जाके वो क्या करता है कि वो उसके ऊपर जो है उन अलग अलग जॉब से डिफरेंट अमाउंट टैक्सेस की मद में या इसके अलावा जो भी एक्सपेंस उससे अलावा होता है वो सारे एक्सपेंस वो पे करता है, कन्वेंस वगैरह भी उसमें ऐड हो जाता है, और फिर जब वो पे करता है तो वापसी आके वो हिसाब देता है, और हिसाब ये देता है कि भाई ये मैंने इस कंपनी में बिल वगैरह देता है कि भाई मैंने इस कंपनी में ये पे किया, इस कंपनी में पे किया, तो फिर हमने उस तो उसको दिए हुए होते हैं, फिर आया उसने पूरे पे कर दिए या उसके बाद कुछ ऐसे रह गए, अगर रह गए तो नेक्स्ट में हम दोबारा जो है वो चल जाएगा तो कुछ और भी लेके जाएगा, पैसे तो पिछले भी उसके पास पहले से पैसे मौजूद थे, या उसके पास पैसे ख़त्म हो गए और उसने जेब से खर्च किए तो सब वो माइनस में आ गया, तो सारी चीज़ें मैनेज होती है वो यहाँ पर होती है। हम यहाँ पे आई यू सेलेक्ट करते हैं, और फिर इसके बाद जहाँ पे जो लड़के काम करते हैं उन सबके यहाँ पे नाम लिखते हैं, और नाम लिख के हम उसकी ओपनिंग देते हैं, और फिर इसके ओपनिंग के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो ट्रांजेक्शन इसकी जो है मूव कर रही होती है, और जो भी ट्रांजेक्शन होने के बाद जो भी उसमें लेन देन होता है वो हम यहाँ पे करंट ओपनिंग में जो है वो मैनेज हो जाता है। मैंने यहाँ से फिलहाल इसको जीरो किया हुआ है ताकि इसकी एक्चुअल पोजिशन पता ना चले क्लाइंट का बिजनेस है। इस तरीके से एडवांस और अपना एडवांस और डिपॉजिट्स है, इसके लिए भी अगर हेड बनाना चाहे तो इसके लिए भी हेड बनते हैं, ये भी आपके पास जो एसेट्स में आता है, और उसके अंदर जितने भी ऐड्स करेंगे जो आप एडवांस दे रहे हैं, एडवांस सैलरी दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं उसका नाम, एडवांस रेंट दे रहे हैं या जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं ऑफिस की मद में, वो भी आप जो है उसका हेड बना सकते हैं, और या चाहे तो नया क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आप ओपनिंग मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम आ जाते हैं हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में बात हो तो लाइबिलिटी के अंदर भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, तो करंट लाइबिलिटी बिजनेस से ऑफिस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे उसके क्रिएटर्स जो होते हैं, जो उसके एम्प्लॉय कस्टमर्स हैं वो आ जाते हैं, और जिनके साथ वो डील करता है वो कंपनी आ जाती है। फिर उसके बाद जो है इसमें भी देखें यहाँ जो वो कंपनी आएगी तो उनकी भी एक ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, मैं सेफ साइड उसकी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि उसकी ओपनिंग क्लोजिंग शो ना हो, तो ये सारी यहाँ पे जो हम साथ मैनेज करेंगे, नया ऐड करना चाहे तो हम यहाँ से नया ऐड भी कर सकते हैं। इधर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी होती है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए उनके हेड बनते हैं लोन लेने लेने के लिए, जैसे वो लोन लेगा तो पहले उसका हेड बनेगा, हेड बनने के बाद उसको हम लोन दे देंगे, जनरल लेजर पर जाकर जब लोन असाइन हो जाएगा तो उस लोन में से जितने भी पैसे कटवाता रहेगा अपनी सैलरी के मद में या किसी और या डायरेक्टली पेमेंट देगा जब कटवाता रहेगा तो वो उसके लोन के अमाउंट में से माइनस होते रहेंगे, और जब हम उसके जनरल लेजर पर जाकर इसका लोन सेलेक्ट करेंगे तो पूरी आपको जो है वो लिस्ट देगा कि उसने कितना लोन लिया था, किस तारीख को क्या उसका डेबिट हुआ, कितने उसे पैसे कटवाए, फिर कितना रह गया, फिर कितना कटवाया, फिर कितना रह गया, और लास्ट में इसकी जो पोजीशन है वो शो होगी, तो स्टार्टिंग उसकी यहाँ से होगी चार्ट अकाउंट से होगी, लास्ट में जनरल लेजर में जाके उसकी पोजीशन शो होगी। मैं सब चीज़ें साथ साथ समझाता हूँ। इसी तरीके से हम आ जाते हैं हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल भी होता है कंपनी का, इसमें इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ है, रेवेन्यू भी होता है, ये भी इन्होंने यहाँ पे रख नहीं रख मैंने नहीं शो कर रहा हूँ क्यों सब बिजनेस है उनका, और एक्सपेंस पे आते हैं तो एक्सपेंस के जो सब टाइप्स हैं, अब जैसे उनके एक्सपेंस है वो पोर्ट पे एक्सपेंस कर रहे हैं, शिपिंग पे कर रहे हैं, या मिसाल है जो है फाइनेंशियल चार्जेस लगा रहे हैं, या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो जनरल चार्जेस जो उनके है उसका जो हेड है तो उसको सिलेक्ट किया तो सब कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर फ्यूल हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, ये उनके जो है वो सब कैटेगरी हो जाती है, और अगर सैलरी एक्सपेंस में आते हैं तो यहाँ पर उनके सारे एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरीज आ जाएगी, और जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसकी सैलरी शो हो जाएगी, ये भी उनके एक्सपेंस में आ जाता है, तो जाके उनका उनको जब ऑडिट करना चाहिए उनके पास क्या उनका जो है रेवेन्यू है और क्या उनके बिजनेस किस पोजीशन पर खड़ा है, तो ये एक्सपेंस वगैरह से हम मैनेज कर सकते हैं। और इस तरीके से फ्यूल एक्सपेंस है तो फ्यूल एक्सपेंस भी आ जाता है, फ्यूल एक्सपेंस का ऐड आता है, और जब जो भी कोई फ्यूल एक्सपेंस में उन्हें पैसे दिए जाएंगे तो हम इस ऐड को सिलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट हम पैसे देंगे। डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं तो उसका भी ऐड बनता है, फिर उसके अंदर भी जो डोनेशन देना चाहे तो हम जो पेमेंट देंगे तो इस ऐड के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि उसने इन इन दो डेटों पर कितने डोनेशन दिए और किस किस को दिए, वो भी सारा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से उसकी जो सब कैटेगरी बनती है, तो ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है। जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं तो फिर इसके बाद हम जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे हम वाउचर एंट्री फॉर्म करते हैं, या वाउचर एंट्री फॉर्म का काम ये होता है कि हम जो भी
काम कर रहे, चाहे पेमेंट आ रही है पेमेंट जा रही है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे वॉच एंट्री फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं कि यहाँ पे वॉचर की टाइप्स होती है। अब बैंक पेमेंट वॉचर यानी बैंक पे कर रहा है वॉचर, जैसे मैं बैंक पेमेंट वॉचर के लिए करूँगा तो सारे बैंक खुल जाएंगे, और उसका मतलब है अब जो मैं भी जो भी इस पर एंट्री करूँगा और सेव करूँगा तो उसका मतलब है उस बैंक से पे हो रहा है। बैंक रिसीप्ट वॉचर यानी बैंक में वापस आ रहे हैं, यानी बैंक में आ रहे हैं, अब चाहे उन्होंने पेटी कैश यानी कैश से बैंक में जमा कराया तो बैंक रिसीप्ट वॉचर पर जाएंगे और फिर देन उसको एंट्री करेंगे तो सामने बैंक में जा रहे हैं। कैश पेमेंट वाउचर किसी को भी कैश के मंथ में दे रहे हैं, यानी बैंक में पेमेंट वाउचर बैंक की बैंक के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं। कैश पेमेंट वाउचर इससे मतलब किसी को भी आप कैश की शक्ल में पैसे दे रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे बैंक रिसीव वाउचर में यानी बैंक में पैसे पैसे आ रहे हैं, किसी ने क्लाइंट ने चेक दिया तो आप यहाँ पे बैंक रिसीव वाउचर पे आओगे, अगर क्लाइंट ने कैश दिया तो फिर आप कैश रिसीव वाउचर पे आओगे। ठीक है जी, इससे चेक रिटर्न हो रहा है, उसकी एंट्रीज है, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, जनरल वाउचर हो गया, ये सारे आपके वाउचर की टाइप्स होती है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बैंक पेमेंट वाउचर पे जाता हूँ तो मेरे पास सारे बैंक खुल गए। अब मैं यहाँ से कोई भी बैंक सेलेक्ट करता हूँ तो सब मतलब इस बैंक की ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे उसको बैलेंस बता रहा है कि इस वक्त इस बैंक के अंदर इतना बैलेंस मौजूद है। इसमें जो होता है जब बैंक अकाउंट खुलता है तो हम चार्ट अकाउंट में जाके उसकी जो है जितने में हमने पेमेंट अकाउंट खोला वो हम एंट्री कर देते हैं। बाद में जो ट्रांजेक्शन यहाँ से होती जाती है तो हम टैली कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे बैंक में कितना पैसा मौजूद है। तो अब जब से आप आगे तो यहाँ पे जो है BPV और फिर यहाँ पे जो है उसकी ID जनरेट हो गई। तो मतलब बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी ID यहाँ पे BPV के नाम से बनी है। अगर बैंक में पेमेंट आ रही है तो भी बैंक से आएंगे, हम कोई भी बैंक सेलेक्ट करते हैं, हमने कहा NIB है तो NIB की जो बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, पैसे बैंक में आ रहा है। जैसे कैश पेमेंट दे रहे हो तो पेटी कैश आपके पास आ जाएगा। देखिए पेटी कैश सब जो पेटी कैश मौजूद अमाउंट है वो यहाँ शो हो रही है। इसी तरीके से कैश रिसीव हो जाए, कैश रिसीव यानी पेटी कैश में आ रहा है तो ये कैश जो है पेटी कैश से जा रहा है और ये पेटी कैश के अंदर आ रहा है। पेटी कैश मतलब उनका कैश अमाउंट यानी जिसे दखल कहते हैं, यानी उनका कैश अमाउंट जिनके पास मौजूद है ऑफिस के अंदर। फिर से चेक रिटर्न वगैरह भी आते हैं तो चेक रिटर्न की अलग से ID जनरेट हो रही होती है, उसकी हम इंट्री करते हैं। क्रेडिट नोट्स की अपनी ID जनरेट होती है और इसी तरीके से डेबिट नोट की अपनी ID जनरेट होती है और इसी तरह से जनरल वाउचर की ID अलग से जनरेट होती है। ठीक है जी, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं और हमने कहा भी मैं कैश पेमेंट वाउचर कर रहा हूँ, मैं कैश पे कर रहा हूँ किसी को, तो मैंने जब कैश पेमेंट किया तो अब जैसे हमें कैश पेमेंट कर दिया तो अब आपने जो है कैश पे कर रहे हो, नहीं समझ आप पेटी कैश से पेमेंट कर रहे हो। अब आप जो भी पे करोगे इस पेटी कैश में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा अगर हम कंसाइनी देना चाहें तो कंसाइनी दे सकते हैं यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे किसी पार्टी की मद में दे रहा हूँ तो हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो सभी आपको सारी पार्टी आ जाएंगी। आप किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, अब जैसे मैं किसी पार्टी को सिलेक्ट करूँगा तो पार्टी का नाम यहाँ पे आ जाएगा और पार्टी का यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं पार्टी के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को डायरेक्टली दे रहा हूँ तो फिर इसके मतलब हम पे रिसीवर में आ जाएगा कौन ले रहा है आपसे, उसका नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, फिर उसके हम डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी अमाउंट लिखते हैं। अब जैसे हमने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दी और उसके बाद हमने कोई भी अमाउंट दे दी, हमने कहीं मिसाइल 50,000 दे रहे हैं, हमने 50,000 की जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पे इन्वर्ट्स में भी हो जाएगी। और फिर इसके बाद हेड आएगा कि अगर एक मिसाइल आप किसी भी जो है पार्टी को नहीं दे रहे हो तो किस हेड को दे रहे हो, यहाँ से हम हेड सेलेक्ट करते हैं। हम जिस हेड को देते हैं उस हेड को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप जब उसको सेव करोगे तो सेव हो जाएगा और जब आप उसकी इन्वाइस जनरेट करोगे तो आपकी वह इन्वाइस जनरेट होगी। नॉर्मली दो चीज़ें होती है, या तो हम यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करते हैं या फिर हेड सेलेक्ट करते हैं। हाँ अगर किसी पार्टी से हम डायरेक्टली पेमेंट लेके हेड को दे रहे हैं तो फिर हम ये दोनों सेलेक्ट करते हैं। वैसे अगर आप अपने तौर पर खुद से वैसे दे रहे हो तो या तो पार्टी को दे रहे हो या किसी भी हेड को दे रहे हो तो यहाँ पे हेड आपके पास सारे आ रहे हैं। आप जो भी हेड सेलेक्ट करते हो, जैसे आपने कहा एक मिसाल है कोई भी रख लिया हमने UBL भी आपका हेड आ रहा है आपके पास, जैसे हमारे पास बैंक में आप डाल रहे हो पैसे, हमने बैंक यहाँ पे ले लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो ये हमारा हेड है। मतलब आप कैश पैसा आप बैंक में भेज रहे हो, किसी के हाथ से बैंक में भेज रहे हो तो किस बैंक को भेज रहे हो, तो हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ले लिया तो मतलब आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में पेमेंट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपके पास पार्टी नहीं आएगी, फिर आपकी यहाँ पे पार्टी नहीं आएगी बल्कि उसकी जगह पे आपके पास जो है वो आप यहाँ पे हेड ले रहे हो। अगर आप पार्टी ले रहे हो तो मतलब पेमेंट तो पार्टी की दे रहे हो, फिर बैंक में तो नहीं जा रहे हो, किसी और को दे तो नहीं रहे हो ना। हाँ अलबत्ता यहाँ से डायरेक्टली हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दोनों को शो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रीज की कर दी, अगर किसी जॉब के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जॉब नंबर लेंगे, और अगर जॉब नहीं है हम डायरेक्टली वैसे ही रख लें बैंक में जमा करा रहे तो फिर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब जब हमने लेने के बाद जैसे आपने सेव कर दिया तो आपके पास एंट्री सेव हो जाएगी, और जब सेव हो जाएगी तो यहाँ से हम उसका प्रिंट निकाल देंगे, और जब प्रिंट निकालेंगे तो सब मतलब आपका पैटी कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और आपका जो बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे किसी जॉब की मद में देना चाहता हूँ तो जॉब की मद में देते हैं, हमने यहाँ पे न्यू कर दिया। और अगर मैं जॉब की मद में दे रहा हूँ तो हम जॉब सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कोई भी जॉब है, अभी जॉब पहले बनती कैसे है, आप पहले जॉब यहाँ पे आके जॉब बनाते हो। आप जॉब सेटअप लॉजिस्टिक पे आते हो,
और यहाँ पे आके आपने जॉब बनानी होती है। अब जैसे यहाँ पे आके हम कोई भी नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे जॉब का नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, फिर हम इसके फाइल जॉब नंबर देते हैं, फिर यहाँ पे कस्टमर आ गया, फिर उसके बाद स्टेटस उसका देते हैं हम, इन प्रोसेस यानी स्टार्ट हुई है जॉब, हम यहाँ पे ओपन है, और जब हमारे पास जो है जॉब खत्म हो जाती है तब तो जॉब हम क्लोज कर देते हैं। तो उसका मतलब वो जॉब्स के नाम वहाँ पे जनरल लेजर में या किसी और जगह पे शोर नहीं होंगे क्योंकि जॉब क्लोज होगी, अलबत्त जनरल लेजर हम उसका उसकी जो है वो समरी वगैरह हम देख सकते हैं। फिर वैसल की एंट्री हो गई, शिपर हो गई, ये जो भी कंपनी एक आपको एक ऑर्डर देती है, एक उनका उनका एक कोई कंसाइनमेंट उनकी आती है पोर्ट पे, तो उस हवाले से आपके साथ आपको एक जॉब आपके पास आपसे कांटेक्ट करती है, आपसे उनका एग्रीमेंट होता है काम के हवाले से, तो फिर इसके बाद क्या करते हैं कि आप वहाँ पे उसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म पे ऊपर आके एंट्री कर देते हैं, जिसमें उसकी जो है वो कहाँ से पेमेंट माल आ रहा है, जो है अपना जो पोर्ट कौन सा है, पोर्ट ऑफ लैंडिंग कौन सा है, पोर्ट ऑफ डिपार्चर जो कौन सा है वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको फिल करते हैं। जब ये फिल कर देते हैं, जैसे मैं कोई आपको दिखाता हूँ कि मैं फिल कर देता हूँ, मैं कोई भी एंट्री लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पे इसकी एंट्रीज आ रही है, तो इसकी रिसीप्ट और ये चार्जेस कि उसने क्या पे किया और क्या रिसीप्ट हुआ। अब उसने जब रिसीप्ट उससे पे क्या किया, ये उसकी एंट्री यहाँ पे आ रही है, फिर उससे रिसीप्ट अपना जो है वो क्या चार्जेस क्या हुआ है वो एंट्री आप यहाँ करेंगे, आपने कितना उस पर खर्च किया। और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसकी इसकी रिपोर्ट पर आ जाते हैं, तो हम रिपोर्ट अगर देखते हैं इसी जॉब की, जो मेरी जॉब को सिलेक्ट किया, मैंने कोई सोच के नहीं क्लिक किया, मैंने बीच में कोई क्लिक कर दिया, एक डेटा आ गया मेरे पास, तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो वह जॉब शीट भी देख सकते हैं, और इसके कंपैरिजन रिपोर्ट देना चाहते हैं तो कंपैरिजन रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। तो ये आपको कंपेयर करके दिखाएगा कि आपने इसके ऊपर क्या पे किया और कितना आपको मिला और इस वक्त क्या पोजिशन है जॉब की। अब देखिए आपको बता रहा है कि आप जो है यहाँ पे बेसिकली जॉब रिसीवेबल के अंदर एक्टिविटी ये हुई है, हमारे पास ये पहला पेज है, फिर इसके बाद बिल टू क्लाइंट, आपने कितने क्लाइंट को बिल किया है, क्लाइंट ने कितना पैसा दिया है और उस कितना पैसा क्लाइंट ने दे दिया और आपका कितना खर्च हुआ, इस वक्त आपका जो प्रॉफिट क्या है वो प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है, और अगर किसी को एडवांस दिया होगा तो एडवांस भी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और इसके बाद जो है यानी बिल क्लाइंट को भेजा गया और बिल को क्लाइंट को ये भेजा गया और उसका एक्चुअल एक्सपेंस इतना हो चुका है, तो इसका मतलब है आपके पास इतने पैसे इसके मौजूद हैं, और अगर वो एडवांस शो करेगा तो एडवांस भी यहाँ पे आ जाएगी जो स्टार्टिंग में दिया जाता है, और इस वक्त आप प्रॉफिट इतने प्रॉफिट भी आप हो। तो ये सारे पास चार्जेस है, जिसके अंदर आपके पास डिलीवरी चार्जेस हो गया, इसके अलावा आपके पास सेल्स टैक्स हो गया, क्विक चार्जेस हो गया, ये सारी जो है अपना चार्जेस हम साथ साथ मैनेज करते हैं, इसका बिल क्लाइंट को भेज दिया जाता है। इससे कि अगर मैं कोई और जॉब सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सर्च पे आके कोई भी दूसरी जॉब ले लेते हैं, हमने कोई भी जॉब ले ली, अब ये जॉब ले ली तो इसकी रिसिप्ट क्या है, इसकी पेड क्या है, वो यहाँ पे आ रही है। अभी ये से मतलब इस पर एक्सपेंस हुआ, और यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब जो क्लाइंट ने दिए पैसे मुख्तलिफ मद में दिए, तो इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। खैर यहाँ भी वो शो होता है कि इतनी अमाउंट क्लाइंट ने दी है, और इससे पेड शो करता है कि इतना अमाउंट जो है आपके पास वो जो है वो पे हो पेड कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई और हम रखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो कह रहे हैं मकसद ये कि डिफरेंट आपके पास जो है वो मौजूद है, आपके क्लाइंट होगा उसकी, आप यहाँ पे अब देखिए सब कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, जबकि इस पर पे बहुत कुछ हो चुका है, इस पर खर्च तो बहुत कुछ कर चुके हैं, इतनी अमाउंट खर्च चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर रिसीव कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट हम यहाँ पे जो है जॉब सर्च करते हैं, और यहीं से हमारे पास सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। ठीक है जी, तो जब आप जॉब क्रिएट करते हैं तो फिर वो जॉब आपके पास यहाँ पे आती है। अब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जॉब आती है। अब जैसे जॉब आ गई आपने पास जो है MBL की जॉब, हमने इस जॉब के अगेंस्ट में आप एक वाउचर की जनरेट कर रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ से जॉब सेलेक्ट करनी, जैसे जॉब सेलेक्ट कर दी तो कंसाइनिंग का नाम आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जॉब की नंबर आ जाएगा, फाइल जॉब नंबर आ जाएगा, कंसाइनिंग नाम आ गया। अब आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, इससे पैसा आ रहा है आपके पास या पैसा इसके ऊपर खर्च कर रहे हो, अब इस जॉब के ऊपर आप पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हो इस जॉब पे, किसको दे रहे हो, IUU लड़कों को दे रहे हो, तो इसका मतलब है लड़के हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हम जैसे यहाँ पे IUU लिखते हैं तो IUU की पूरी सीरीज आ जाएगी, ये वो लड़के हैं जो उसके ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, जैसे वैसे अमीन है तो अमीन लेके जा रहे हैं, तो हमने अमीन यहाँ सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से कैश पे और ऐसे मतलब पेटी कैश से आप पैसे दे रहे हो, और यहाँ से आपने जो है वो अच्छा अमीन तो पैसे ले रहे हैं, अमीन खुद लेके जा रहे हैं तो अमीन का नाम दे दिया, किसी और को दे रहे हैं तो उसका नाम यहाँ लिख देंगे, फिर हमें डिस्क्रिप्शन दे दिए कि किस जॉब की मद में वो पैसे लेके जा रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी, कितनी अमाउंट दे रहे हैं, हमने कहा एक मिसाल 80,000 दे रहे हैं इसको, तो 80,000 यहाँ पे करके जब उसको सेव करेंगे तो उसका पेटी कैश आपका यहाँ फिर क्रेडिट हो रहा है और आपके पास अमीन जो है वो डेबिट हो रहा है। फिर इसके बाद अमीन जब काम करके वापस आएगा और आगे जब वो इन्वाइसेस वगैरह देगा तो फिर आप उसकी इन्वाइसेस की एंट्रीज यहाँ पे करोगे, और जब उसकी एंट्री इन्वाइसेस की यहाँ पे करोगे तो फिर इसका मतलब ये कि अब अगर उसका एक्सपेंस हुआ है तो फिर आप इसके लिए एक्सपेंस वाले पे आओगे, और एक्सपेंस ट्रांजेक्शन पे आके आपने क्या करना, उसका एक्सपेंस शो करना है, और तो यहाँ पे आपने जो लड़कों को दिया होगा वो देखिए यहाँ सब आ जाएगा। जैसे मैं IU सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये सब लड़के आ रहे हैं आपके पास,
अब मैं अगर यहाँ पे आके अमीन को सर्च करता हूँ, मैंने अभी इंट्री तो उसके अमीन के लिए नहीं की, लेकिन अगर मैं अमीन को सर्च करता हूँ तो आपके पास अमीन के ऊपर कोई एंट्री होगी तो वो भी आ जाएगी, आबिद है तो आबिद की एंट्री आपके पास आ गई। अब जैसे मैं आप आबिद पे आता हूँ तो आबिद देखिए यहाँ पे दो तीन जॉबों पर काम कर रहा है, आबिद आपका आबिद अमीन आबिद अहम इसका नाम है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो दो तीन जॉबों पर काम कर रहा है क्योंकि आयु है लड़का है, यानी जॉब करने जॉब पोर्ट पे जाता है शिफ्ट क्लियर करता है, तो अब किसी की इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका तो भाई यहाँ पे उसकी सारी आ जाएगी। इस जो ये अलग जॉब है, इस जॉब में इसके पास ये अमाउंट क्रेडिट है और अमाउंट ऑफ जॉब पे इतने पैसे लेकर गया है, इस पर अगर सेलेक्ट कर देता हूँ तो कुछ और आ जाएगी। अब टोटल आपके इतनी आ रही है सारी जॉबों को मिला के, टोटल इतनी अमाउंट उसको दी हुई है लेकिन हर जॉब के ऊपर डिफरेंट अमाउंट, देखिए इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो कुछ और अमाउंट आपके पास आएगी, तो ये सारी इसकी अलग अलग अमाउंट्स आएगी आपके पास। देखिए यहाँ पर कुछ और क्रेडिट आ रहा है लेकिन इसके पास टोटल जो अमाउंट है वो आपके पास अलग से आ रही है, तो यहाँ पे देखो करते हैं तो हर एक की अलग अलग जॉब सारी है, किसी में वो माइनस पर है किसी में प्लस में है, ये बेसिकली जब ट्रांजेक्शन होती है तो फिर उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है वो फिगर जनरेट होती है कि आप उसे कितना मांगते हो। अगर वो यहाँ पे आके पेमेंट खर्चा देता है तो फिर आपने जैसे सेलेक्ट करके ये दे दिया, आप इसके बाद इसके पास क्रेडिट अमाउंट ये थी, अब जैसे यहाँ पे वो चार्जेस देने पे आता है तो चार्जेस देगा वो क्या खर्च करके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो टैक्स देकर आ रहा है तो हमने कहा टैक्स पे करके आ रहा है, जैसे अपना या टेप चार्जेज है, अब मुझे नहीं पता टेप चार्जेस क्या होता है उनकी एंट्री है, अब टेप चार्जेस उन्होंने सेलेक्ट कर दिया तो अब टेप चार्जेस के ऊपर कितनी अमाउंट है, तो जो यहाँ से आप अमाउंट लिखोगे आपने यहाँ पे जो रेट लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एक मिसाल है 15,000 है, तो ये 15,000 जैसे मैं एंट्री करूँगा तो ये 15,000 आपके क्या होगा इस अमाउंट से माइनस हो जाएगा, जब मैं एंट्री करूँगा सेव करूँगा तो इसी अमाउंट से माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो जब दूसरी दफा ये आएगा तो इसके बाद ये 38,925 नहीं आएगा बल्कि उसमें 50,000 माइनस का हिसाब वो दे चुका है और उसकी एंट्री वो कर चुका है, तो वो जहाँ से माइनस हो गया बकाया जो रह गया वो इसकी तरफ आएगा। फिर वो अगर दोबारा जाता है पोर्ट पर पैसे लेके जाता है तो पैसे अपने वहाँ से देना है और यहाँ से आकर उसने एक्सपेंस देना है, और उस एक्सपेंस एंट्री जैसे करोगे एक्सपेंस की टाइप होती है आपके बिल एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है, डेबिट नोट है, सिक्योरिटी रिटर्न है या डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे इसको मैनेज करते हो। एक्सपेंस की आईडी आप जब न्यू करोगे तो न्यू बटन प्रेस करोगे तो एक्सपेंस की आईडी जनरेट होती है, अगर चेक वगैरह की मत में तो चेक की डेट, चेक नंबर, अमाउंट नंबर, और यहाँ पे बैंक है तो बैंक का नाम यहाँ पे आ जाते हैं सारा, किस बैंक की मत में वो उसे किया है तो वो आपके पास आ जाएगा। आयु जो एडजस्टमेंट कर रहे हो या कैश आ रहा है आपके पास, या आपके पास जो है यहाँ पे जो है वेंडर कर रहे हैं या चेक पीओ है पी ऑर्डर वगैरह है तो वो आप इसके इसको सेलेक्ट करोगे, अगर लड़के से आ रहा है इसका मतलब आप जहाँ सेलेक्ट करोगे तो लड़कों के हिसाब आ जाएगा। अब आई हुई लड़के जो है वो आपको रिटर्न कर रहे हैं तो आप उसके यहाँ से रिमार्क्स दे सकते हो, और जैसे आपने 15,000 दे दिया तो आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको एक्सपेंस वगैरह मैनेज करते हैं, तो इस पर अगर हम इंट्रीज करना चाहें तो इंट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक उसका आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ। फिर इस तरह से आपने जो है चार्ट अकाउंट भी बना दिया, वाचर भी हो गया, एक्सपेंस हो गया, चार्जेस में हमारे पास चार्जेस सेटअप होता है, ये खैर अगर अभी फिलहाल ना भी बनाए मस्त नहीं, रिपोर्टिंग मेन चीज़ है। अब जैसे आप जनरल लेजर पे आते हो तो जनरल लेजर भी आप आते हो तो यहाँ देखिए जनरल लेजर आ जाता है। अब जैसे मेरे पास डेटा आई थिंक काफ़ी पुराना है तो मैं देखता हूँ मेरे पास तो जनवरी से डेटा हो तो मैं जनवरी का डेटा सेलेक्ट करता हूँ जनवरी से आज तक का, और अगर मैं यहाँ पर आके पैटी कैश सर्च कर लेता हूँ पैटी कैश का, तो मुझे पैटी कैश बताएगा कि जनवरी की 1 जनवरी को से आज तक प्रिंटिंग रिपोर्ट पे आ जाता हूँ तो मेरे पास क्या ओपनिंग उसने के उस दिन ये ओपनिंग थी, जनरल लेजर बता रहा है कि उस दिन पैडी कैश में इतना पैसा पड़ा हुआ था आपके पास, कैश में इतना पड़ा हुआ था, और आज उसके बाद जब क्लोजिंग हुई है आपके पास, अब ये डेटा आपके पास जो है वो 18/9 के बाद करनी है, यानी आपके पास जो है वो 8 बजे यानी अगस्त तक का डेटा हमारे मौजूद है। अब इसमें ये बता रहा है कि आपने क्या खर्च किया है, जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट का बटन प्रेस करता हूँ तो दो रिपोर्ट एक प्रिंट पे आती है एक समरी के साथ है, तो प्रिंट एस पे आ रही है। अभी आपको बता रहा है कितने पैसे मौजूद थे, फिर ये क्रेडिट हुआ आपके पास, ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, फिर ये बच गया, फिर इसके बाद ये आपने 10 डेबिट किया तो ये बच गया आपके पास, फिर क्रेडिट हो गया, फिर डेबिट हो गया, तो ये आपको बता रहा है कि आपके पास क्या हुआ, तो टोटल डेबिट इतना हुआ, टोटल क्रेडिट इतना हुआ, बैलेंस आपके पास इस वक्त उस दिन आप इस पोजिशन पर थे। अगर मैं इसको आगे यहाँ पर आके जो है वो इसे पुरानी डेट पर ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको जो है वो 2017 से और 2018 तक का ले लेते हैं, या हम 2017 ही के जून तक का ले लेते हैं, 7 जून तक ले लेते हैं, तो इसका डेटा डिफरेंट हो जाएगा। सॉरी एक दफ़ा इसको दोबारा से हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हम जैसे हमें जनरल लेजर पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने इसको जो है जैसे अब जैसे जनरल लेजर पे आ जाते हैं, यहाँ से हमने डेट दिया, हमने इसको हमने कहा कि मिसाल 2017 से डेटा लेना चाहता हूँ जनवरी से लेके जनवरी के 1st से,
और मैं यहाँ तक जब तक चाहता हूँ इसको जो है वो 2017 के 2017 ही आ जाते हैं, और 2017 की मैं जून तक करियर देना चाहता हूँ इसको। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया पेडी केश चाहिए तो पेडी केश का देखने जाते हैं तो पेडी केश ले लिया आपने, और फिर जब आप प्रिंटिंग रिपोर्ट करोगे तो अब आपके पास देखिए उस वक्त का डेटा आपके पास शो करेगा कि आपके पास डेटा 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक क्या था, आपका डेटा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो कहने का मकसद देखिए ये आपका डेटा आ गया, तो उस दिन की आपकी ओपनिंग ये थी, फिर ये ट्रांजेक्शन हुई और लास्ट में आपके पास डेटा आया, तो काफ़ी बड़ा डेटा आपके पास आएगा। जब उसको प्रिंट निकालोगे तो ये डेबिट क्रेडिट आपको सारा शो करेगा और उसमें ये बताएगा कि फाइनल फिगर आपके पास क्या थी उसकी क्लोजिंग पे। तो अगर ये प्रिंट सादे वाला चाहिए तो सादा ले लेंगे, अगर समरी के साथ चाहिए तो समरी के साथ आपके पास आ जाएगा। तो जो भी आप यहाँ से प्रिंट लेते हैं तो वो प्रिंट आपके पास आ जाएगा। तो जनरल लेजर आपका सबसे मेन चीज़ होती है। आप देखिए ये पहला पेज है जिसमें आपको उस डे की ओपनिंग बता रहा है, और उसके बाद लास्ट पेज पे आपको उस मैंने जून की जो मैंने तारीख रखी है, जून की 7 तारीख में रखी थी, 7 तारीख की आपको क्लोजिंग बता रहा है कि इतने पैसे आपके कैश में मौजूद थे। और इस तरह से हम किसी क्लाइंट के लिए देखना चाहते हैं तो क्लाइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता क्लाइंट कौन से क्लाइंट के इस टाइम में जो है कोई जॉब वगैरह आई है, उसको खर्चे हुए हैं, तो हम फिलहाल देख लेते हैं कोई भी आप रख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमीदुल्ला खान देखते हैं क्या पोजीशन है कुछ है इसका। अब इसी देखा एक एंट्री है, अब यहाँ पे जो बता रहा है कि उसकी ओपनिंग उस दिन ये थी और ये उसका जो है वो डेबिट हुआ था, और डेबिट होने के बाद उसकी जो क्लोजिंग है वो हमारी रिपोर्ट बताएगी कि इसकी क्लोजिंग क्या हमारे बची थी। अभी बता रहा है कि देखिए यहाँ से डेबिट हुआ और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और ये आपके पास क्लोजिंग थी, इस वक्त इतने पैसे आपके पास अभी भी उसके मौजूद हैं। फिर इसके बाद इसकी और ट्रांजेक्शन हुई होगी, अगर मैं इसको आगे देखता हूँ उसके बाद इसकी अगर मैं ट्रांजेक्शन देखना चाहें, और यहाँ से हमने कहा कि मिसाल जून के बाद दिसंबर अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो शो करेगा, तो हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं आ रही इस बात की। अच्छा यहाँ पर भी ये हो सकता है, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक्सपेंस वाला फॉर्म खोलेगा और इस एंट्री को लागे शो करेगा, बोलेगा ये थी इसकी एंट्री, ये आपने इसके अंदर एंट्री की थी, अगर आप इसे कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर चेंज करके अपडेट कर देंगे तो डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट के लिए मैंने यहाँ पे एडमिन का अकाउंट रखा हुआ है कि एडमिन इसे अपडेट कर सकता है और डिलीट हो जाए, एडमिन कह सकता है जो कैशियर होता है या अकाउंटेंट होता है वो अपडेट और डिलीट नहीं कर सकता, तो ये हमने इसके अंदर कंडीशन में रखी हुई है। तो यहाँ से आगे हम जनरल लेजर वगैरह मैनेज करते हैं, जनरल लेजर आपका इस तरीके से जनरेट होता है, और जितने भी क्लाइंट्स हैं डेबिटर थे जो कुछ जितने हेड्स बनाए उन सब के, अब देखो मैं यहाँ पर अगर आके मैं अगर सैलरी का भी देखना चाहते हैं तो हम सैलरी भी देख सकते हैं, या फिर अगर मिसाल है हम जॉब में अंदर भी देखें जॉब सेटअप है, जॉब इनवाइस है, जॉब की इनवाइस यहाँ से जनरेट होती है, आप यहाँ से जॉब की इनवाइस देते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो जॉब से डायरेक्टली भी इनवाइस दे सकते हैं। हम देखें यहाँ पर आके मैं जॉब सेलेक्ट करता हूँ, अभी जॉब आपके पास सेलेक्ट हो रही है, ये जॉब है, अब इसमें पेमेंट पेबल भी रिसीव होगी ना, आप यहाँ से डायरेक्टली इनवाइस शायद बना सकते हो। आप जैसे इसके ऊपर आप इनवाइस भेजने जा रहे हो तो इनवाइस को सिलेक्ट करोगे, इनवाइस का फॉर्म आएगा, ये पिछली इनवाइस भी लेकर आएगा, फिर आप नई इनवाइस जनरेट करोगे, नई इनवाइस भी जाएगी कि कितने पैसे आप उसको दे चुके हो और कितने पैसे आप उससे ले चुके हो, कितने बाकी देने हैं, तो उसकी इनवाइस यहाँ से जनरेट होगी। इस तरह से जब क्लाइंट आपको पेमेंट देगा इस कीमत में, यानी कि आपके पास जिसमें एंट्री करना चाहते हो रिसीप में, तो फिर आप क्या करोगे कि जब यहाँ पे आके रिसीप पर आओगे रिसीप का फॉर्म आ जाएगा, जब उसके अंदर एंट्री करोगे तो जैसे एंट्री कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट आपके पास यहाँ पे रिसीप चार्जेस के अंदर यहाँ शो हो जाएगा। और अगर इन्वाइस भेजोगे तो फिर इसके बाद उसकी एंट्री आपके पास जब वो आ जाएगी इन्वाइस, और आपने उसकी एंट्री कर दी वाउचर फॉर्म से कि उसकी पेमेंट आ गई है, यानी कैश पेमेंट आई है, बैंक पेमेंट आई है, तो क्या जब सेलेक्ट करोगे जनरल वाउचर के अंदर, इसके अंदर वाउचर एंट्री फॉर्म के अंदर जब उसकी एंट्री करोगे तो वो आपकी एंट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो जॉब से हम जॉब रिसीव है, जॉब का एक्सपेंस है, सेल्स टैक्स इनवाइस भी यहाँ जनरेट करते हैं। और अगर मैं रिपोर्टिंग पे जब भी आपको दिखा रहा था जनरल लेजर में, तो यहाँ पे ज़रूरी दिख से क्लाइंट ही हो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है अगर मैं डोनेशन ही ले लेता हूँ, तो देखें यहाँ पर मैं आता हूँ डोनेशन, तो अगर मैं डोनेशन देखता हूँ तो डोनेशन एक्सपेंस देखता हूँ, तो डोनेशन एक्सपेंस में देना देखना चाहता हूँ 2017 से लेकर 2019 तक का, तो आपके पास डोनेशन एक्सपेंस बताएगा कि आपने कोई अगर कुछ खर्च नहीं किया, डोनेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो शो हो जाता। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं फ्यूल एक्सपेंस देखना चाहता हूँ, फ्यूल एक्सपेंस की मद में इस दोनों डेट्स के ऊपर, तो भी यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा एक्चुअली हमारे पास अपने पुराना डेटा है, तो काफ़ी पुराना डेटा है, मेरे 2017 मैंने सेलेक्ट किया है। और अगर मैं यहाँ पर आके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जैसे टेलीफोन एक्सपेंस देख लेते हैं, अगर उन्होंने एंट्री की है तो मेन तो चीज़ ये है कि अगर इन्होंने एंट्री की होगी, कोई एंट्री नहीं की उन्होंने। और अगर मैं यहाँ पे आके बैंक देख लेता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स को लेता हूँ, यहाँ पे ये कंपनी की है स्टार मेडिकल कंपनी है, अभी स्टार मेडिकल कंपनी लेते हैं और जब इसको मैं देखता हूँ तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं है,
बैंक देखते हैं तो बैंक एंट्री अगर है तो वो तो लाजमी होगी, अगर उसमें बैंक खुला हुआ है तो कोई भी एंट्री नहीं खुला हुआ। तो यहाँ पे आपके पास जो है हमने जो डेट ली है वो 2017 से 2019 ली हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री लेता हूँ या एडवांस ले लेते हैं, एडवांस है की मद में अगर कोई दिया है तो यहाँ पे हम एडवांस जावेद का एडवांस लेते हैं तो यहाँ पे जो है एडवांस भी कोई एंट्री नहीं आ रही। तो ये सारी कहने का मकसद है कि सारी एंट्री अगर मौजूद है आप यहाँ से दे सकते हैं, आप किसी लड़के को दी है तो वो आपको यहाँ शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे आईयू जावेद के नाम से है, जब देखिए बैलेंस यहाँ पे सबकी अपनी ओपनिंग दे रहा है लेकिन उस टाइम में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। जब हम डेट चेंज कर लेते हैं या फिर मैं देखता हूँ कोई हेड शायद हमारे पास हो और मैं चाह रहा हूँ उनका डेटा भी जो है ज़्यादा है, पहले ना डॉक्स है DGL है हमारे पास। पोर्ट कनेक्शन को देखते हैं, अगर पोर्ट ड्यूस नहीं कोई भी नहीं है। डेट अगर हम चेंज करते हैं पुरानी डेट लगा के देख लेते हैं, अगर मैं 2016 का देखने जाऊँ तो 2016 की भी कोई एंट्री नहीं है इसके ऊपर। खैर जितनी भी एंट्रीज उसमें की होगी तो सारे, क्योंकि डेटा भी मेरे पास कम्प्लीट नहीं है और जो भी आप की होगा तो देन उसका जो है वो शो चलेगा हमें इसके अंदर। अब जैसे मैं यहाँ पे अब्दुल हादी को देखना चाहते हैं तो अब्दुल हादी के देखे दो ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है, उसकी उस दिन की ओपनिंग ये थी। अब्दुल हादी का मेरे ख्याल है डेबिटर से शायद या उनका कस्टमर है, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि डेबिट से ये हुआ तो ये इसकी अमाउंट उसकी ओपनिंग थी ये डेबिट हो गया, अब उससे आप जो मांगते हो या क्या रह गया उससे सब डेबिट हो तो उसने दिए हमें। जब मैं इसका प्रिंट पे देता हूँ तो यहाँ पे डेबिट उसके अमाउंट में ऐड होगा, आप जैसे ये अब डेबिट है इसमें ऐड होगा तो ये डेबिट हुआ। और यहाँ देखिए बता रहे कैश पेड के मद में हुआ और अब आपके इतना अमाउंट जो है वो आपकी तरफ इसका मौजूद है। तो इस तरीके से हम बेसिकली जनरल लेजर देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है जनरल लेजर में, आपको सब चीज़ आ जाती है लेकिन इसको अगर आप सही मायने में इंट्रेस्ट करें और क्लाइंट कंपनी इंट्रेस्ट करें तो बहुत मिलता है। इस तरह से आपके बैंक रिपोर्ट है यहाँ पे सारे बैंक आपके पास आ जाएंगे, आपसे सारे बैंक से आप किसी बैंक का डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और जैसे अपने बैंक के लिए भी यहाँ पर मैंने ऑप्शन रखा हुआ है कि मैं बैंक पर अगर आके मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो सारे बैंक से डेटा आ जाएगा, और अगर मैं सिलेक्ट ऑल नहीं करता तो अगर मैं कोई भी देता हूँ मैंने कहा UBL UBL के बैंक का डेटा शो करूँगा तो UBL के बैंक की सारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी। या दो डेट दे देंगे इस डेट से इस डेट के ऊपर कितना हमने जो है वो UBL में जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी ट्रांजेक्शन हमें शो करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास कंसाइनी रिपोर्ट होती है, जहाँ पे कंसाइनी होती है हम दो डेट देते हैं, फिर कंसाइनी के नाम आपके पास आ रहे हैं, आप जो भी कंसाइनी सेलेक्ट करेंगे या डेट दे देंगे तो उसके आप देखिए इसके इस पर कंसाइनी आपको शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके चेंज कर देता तो उस कंसाइनी को यहाँ पे अलग देखिए कंपनी यहाँ शो करेगी, और अगर मैं यहाँ पर अगर आगे जो है वो जो भी लेते जाएंगे यहाँ पे शो होता जाएगा, हम करते रहेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद जो है इसके शो रिपोर्ट करेंगे तो उस डेट के ऊपर जिस कंसाइनी पर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी ट्रांजेक्शन आपको शो कर देगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है आई जो जॉब वाइज होते हैं लड़कों को जो पैसे दिए हैं उन लड़कों के यहाँ पे नाम होते हैं हमारे पास। अब जैसे मैं जावेद क्या लेता हूँ, जब जावेद उनका एक लड़का काम करता है सोहेल राजा या करामत है, अब जो भी हम लेते हैं जैसे हमने कहा अमीन चाहे या आबिद जावेद कहते हैं आबिद जावेद इन इन जॉब्स पर काम कर रहा है, अब इन जॉब्स पर आबिद जावेद काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर जो ये जॉब्स ले ली मैंने उसके बाद मैं यहाँ पे शो रिपोर्ट करता हूँ तो जो सारी जो रिपोर्ट शो कर देगा कि उसने किस खिदमत में कितने कितने पैसे लिए थे, उसमें क्या उसने पेमेंट कर दी, क्या रह गया, तो यहाँ सारी उसकी एंट्रीज आपके शो होगी। अब ये टोटल कितने पेजेस पे आ रही है, 9 पेजेस पे आ रही है और लास्ट में आकर मैं समरी बताएगा कि ये लड़का जो है बेसिकली इसको कितने पैसे इशू हुए, कितना उसने एक्सपेंस की मद में हमें जो है रिपोर्ट दी, कितना एक्सपेंस हुआ और बैलेंस इसकी तब क्या मौजूद है वो भी शो करेगा। अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया सब, इसने अपने आपको सारा एक्सपेंस शो करके अपने आपको इसने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है कंसाइनी की, आयु जॉब वाइज होती है कंसाइनी होती है, फिर ऑल हेड जितने भी हेड्स उसका प्रॉफिट एंड लॉस से समरी है वो सारे देखिए हेड से आपके सारे शो हो रहे हैं। सारे चाहिए तो सारे चेक लगा लें, नहीं तो अगर आपने जिसको रखना है तो सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे तो सब वैसे उसका उसकी ओपनिंग क्लोजिंग इस वक्त यानी जितना उसे दिए जितना उसका एक्सपेंस हुआ अब उसके पास क्या पोजीशन है वो आपको उस दिन तक टाइम तक बताएगा। ये तो डेटा पुराना है लेकिन उस दिन के टाइम तक बताएगा कि इतनी पोजीशन उसके मौजूद है। ट्रायल बैलेंस निकालना चाहे ट्रायल बैलेंस निकलती है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी हेड्स है उन सबकी जो है वो क्लोजिंग उसकी ट्रांजेक्शन की क्लोजिंग सारी शो हो जाती है तो ट्रायल हमारे ट्रायल बैलेंस कहलाता है। जॉब मैंने आपको बताया जॉब सेटअप बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, रिसिप्ट है, एक्सपेंस है,
और जैसे जैसे कस्टमर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे बैंक आप यहाँ पे यहाँ से बैंक ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ के लोन से सैलरी यहाँ से आप जनरेट करते हैं, सैलरी की समरी आपको यहाँ से मिलती है, सैलरी देना चाहें तो आप सैलरी देते हैं, यहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, आपने एम्प्लॉयज़ दिया, एम्प्लॉयज़ देने के बाद आपने जो है वो उसकी सैलरी जनरेट कर देंगे, और सैलरी जनरेट करने में जो भी उसका एडवांस लिया हुआ या लोन लिया हुआ वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जितना पैसे कटवाएगा वो आ जाएगा, फिर उसके बाद समरी हो जाएगी, समरी के अंदर हम उसको जो है वो बता देंगे क्या पोजिशन है। एडमिन यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट करना चाहे क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको बना के से एक स्ट्रक्चर इसको दिखाया कि ये सारी चीज़ें होती है, आप किसी भी क्लाइंट से मिलने जाते हैं अकाउंट की एप्लीकेशन में तो आप ये चीज़ उनको ऑफर कर सकते हैं कि ये चीज़ें सब होती है अकाउंट्स की, और ये सब आपको इन सबको आप पे काम कर सकते हो, फिर अगर आपको कोई काम मिल जाता है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको जो है उसमें से ये सारे फीचर्स तो अगर आपको मिलेंगे तो लाखों में इसकी कॉस्ट होती है, लेकिन अगर वो एक आध फीचर आपसे बनवाएगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मुझे जो है कमेंट्स करें तो मैं आपको वो खास पोर्शन बनाना सिखाऊंगा, और अगर पूरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं सारे काम भी करके दिखाऊंगा, आप कांटेक्ट में रहिएगा मेरे साथ, तो देन उस सूरत में ये होगा कि आपको जो भी इशू आता है साथ हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो मेन चीज़ है कि अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना कि हाँ भाई आपको अकाउंटिंग आती है और आप ये सब चीज़ें काम कर सकते हो, असल चीज़ें होती है, तो इस मद में आप इसको दिखाइएगा, अगर आपको स्क्रीन शॉट्स वगैरह चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूंगा, और स्क्रीन शॉट भी किसी क्लाइंट के साथ दिखाना चाहे तो वो भी दिखाएं, और जब आपको एप्लीकेशन मिल जाती है और आपकी डील हो जाती है तो इसके बाद उसको बनाने की कोशिश करें, अगर कोई इशू होता है तो मुझे कहें फिर मैं भी बनाना शुरू करूँगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है, ये बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन ये है कि अगर हम इसको बनाने पर आएँ तो मैक्सिमम अगर हम डेली भी काम करें तो तकरीबन जो है वो 1 महीना इनफ है जिसमें हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन को। तो आप इसको देखें, सर्चिंग करें, काम देखें इसके अंदर, और फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझे कहें, तो मैंने स्पीड से कराया है, एक तो ये डेटा भी उनका क्लाइंट का है, ले तो खैर पुराना डेटा लेकिन उसके क्लाइंट का डेटा हमारे पास भी है तो वो चीज़ भी है, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो है अगर इसको मैं इंट्री कर करके समझाता तो फिर तो समझ लो कि इसमें आपको 10 से 12 घंटे लग जाते मुझे सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने में, और इसके तमाम हेड्स की इन्वाइस वगैरह दिखाना, क्योंकि एक वक्त में दो दो चार चार इन्वाइस जनरेट होती है। तो मैं चीज़ स्ट्रक्चर था वो मैंने आपके साथ डिफाइन कर दिया, आप किसी भी क्लाइंट से डील कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको काम मिलता है तो फिर आप मुझे कहिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये पूरा बनाना सिखाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को मेरे लाइक करें, कमेंट करें, और मुझसे कॉन्टेक्ट में रहें, जैसे भी आपको जो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।